तेजुछे नीट परीक्षा रे जालियाती मामला सीबीआई तदंत पई हेला दाबी केंद्र ओ एनटीए को जवाब मागिले सुप्रीम कोर्ट प्रश्नपत्र लीक एवं नीट यूजी 2024 से अनियमितता अभियोग सीबीआई तदंत पई हेला आवेदन एवं सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए को नोटिस जारी करी जवाब मागिछंती दुई सप्ताह मध्यरे जवाब रखिबा को सुप्रीम कोर्ट कहिछंती परीक्षा रे अनियमितता अभियोग परे 1563 जन छात्र छात्रिन को ग्रेस मार्क रद्द हेबो बोली कोर्ट कहिछंती जहाँ को एनटीए ग्रहण करिछि एबे ए प्रार्थी मानक पई पुनः परीक्षा करा जिवो बोली एनटीए कोर्ट को सूचना देछि एनटीए ग्रेस मार्क उपरे जून 4 रे देथिबा निष्पत्ति को प्रत्याहार करि नैछि एवं जून 23 रे पुनः परीक्षा करिवो जुलाई 6 रु आरंभ होबा कुथबा काउन्सेलिंग प्रक्रिया जेपुरी बाधा प्राप्त न होए सेथि पई जून 30 रे पुनः परीक्षा फल प्रकाश पाइबो परीक्षा सरिबा पई पूरा 3 घंटा 20 मिनिट समय दिया जाय नथिबारु प्रथमे 1563 जन छात्र छात्रिन को ग्रेस मार्क प्रदान करा जायथिला एई निष्पत्ति को नै विरोध आरंभ होबा परे द्वितीय कमिटी एही प्रसंग रे पुनर्विचार करी ग्रेस मार्क बदलाइबा को सुपारिश करथिला विदेश रे 14 टी शहर समेत 571 टी शहर रे 4750 टी केन्द्र रे प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित होइथिला परीक्षा परे पेपर लीक हेबार खबर सामना को आसीथिला एवं किछि लोकंकु गिरफ मध्य करा जाइछि वो कोई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है दैट वाज द प्रपोजल जो एनटीए ने कोर्ट में जाकर बोला है बट देयर इज नो डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट कि आप इन बच्चों का रीनीट करा के रिजल्ट डिक्लेयर करें और इससे कोई सलूशन भी नहीं होने वाला है आप 1500 बच्चों का वापस से रीनीट ले लें उसको 23 लाख बच्चों का उसमें उसको जस्टिस नहीं मिलने वाला वो बच्चे नहीं 23 लाख फैमिली सफर कर रही है तो एक छोटा मुद्दा नहीं है छोटा मैटर नहीं है इस मैटर में एक अच्छा मैं बोलूंगी एक अच्छा जजमेंट आए जिससे भारत के बच्चों को ना ही नीट आप क्लैट ले लीजिए जी ले लीजिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एक फेथ क्रिएट होगा रियल मुद्दा जो है रियल मुद्दा रियलिटी में दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से रैंक इतनी इन्फ्लेट हुई है 600 नंबर पर पिछली बार जो 29,000 रैंक थी 29,000 रैंक थी इस बार वो हटके 81,000 हो गई ये इन्फ्लेशन मेजरली दो कारणों की वजह से हुआ है वन इज द लीकेज एंड सेकंड इज द ग्रेस मार्क्स यानी कि जिस जगह टाइम लॉस हुआ है बातिल हेबो की नीट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट परे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट रे मामला नीट परीक्षा को नहीं अनेक विवाद लागी रही गोटे निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र अनेक छात्र छात्री समान मार्क पाइथिबारु एथर परीक्षा रे जालियाती होईछि बोली छात्र छात्री अभियोग करछंती एनी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट रे एक पिटीशन दाखल करा जाइछि एही आवेदन रे नीट परीक्षा रे होइथिबा जालियातीर उच्च स्तरीय तदंत करा जाउ बोली दाबी करा जाइछि एथि सहित परीक्षा बातिल करबा सह रेकर्ड जबत करबाकु आवेदनकारी दाबी करछंती जुलाई प्रथम सप्ताह रे आवेदन रो सुनानी करबाकु कोर्ट राजी होइछंती मध्यप्रदेश जबलपुर निवासी छात्री अमिषी वर्मा नीट रिजल्ट विरोध में हाईकोर्ट में पिटीशन दाखल करिछंती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल मेडिकल कमिशन और राज्य सरकार को यह मामलें पक्षभुक्त कर समस्त को आगुआ कॉपी दिया जाइथिबा अभियोग उभय पक्ष हाईकोर्ट में जवाब उपस्थापन करने को जाउछंती प्राथमिक शुणी हाईकोर्ट आवेदन को ग्रहण करिछंती सेपटे एहाकु नै राजस्थान समेत विभिन्न स्थान में छात्र छात्री विक्षोभ प्रदर्शन करुथिबा देखिबा को मिलिछि और एनटीए विरोध रे तेजी छी नाराबाजी हम लोग चाहते हैं कि नीट 2024 वापस हो जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनके साथ गलत हुआ है और हमारा फ्यूचर हमारा करियर कोई मजाक नहीं है हम लोग चाहते हैं रीनीट हो नीट के अंदर 67 या 69 बच्चे 720 आए तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ना नेशनल लेवल पे ये टेस्ट होता है जिस हिसाब से और एक सेंटर से 8 बच्चे तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस पेपर के अंदर और अगर एनटीए को पेपर बढ़ाना ही था कि ऑल इंडिया लेवल का हो तो उसमें एक या दो टॉपर निकलने चाहिए 67 टॉपर कैसे निकल सकते हैं शुक्रवार सर्वोच्च न्यायालय रे सुनानी बेले विभिन्न हाईकोर्ट रे विचाराधीन मामला को सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतर करने को एनटीए करथिबा आवेदन उपरे समस्त पक्ष को नोटिस जारी करा जाइछि जुलाई 8 रे मामलार परवर्ती सुनानी रहिछि ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज़